हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में जो एपिसोड हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो जुर्म और अत्याचार की परिणीति दर्शाता है। हर धर्म में एक बात जरूर कही गई है, खुद से कमजोरों की हिफाजत करना। लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं? कमजोरों पर जुल्म, उनके खिलाफ घिनौनी साजिश। औरत बेशक शारीरिक रूप से मर्दों से कमजोर होती है, लेकिन भावनात्मक और सहनशीलता के मामले में वो मर्दों से कहीं आगे है। औरत से जुड़े अपराधी घर घर में मौजूद हो, चाहे वो पति जो लड़का पैदा करने के लिए पत्नी को मारता हो, चाहे वो सास जो दहेज के लिए बहू को तंग करती हो, चाहे वो बाप जो बेटी को पढ़ने से रोकता हो और कम उम्र में उनकी शादी कर देता हो। आज का ये केस हर औरत के लिए एक सीख है कि औरत का उद्धार खुद औरत ही कर सकती है। इसलिए खुद के खिलाफ होने वाले हर जुल्म के लिए आवाज उठाइए। बाहर आ जाओ। अबे ओ मजनू, अब तो हाथ छोड़ दे भाभी जी का, सब कुछ छोड़ के आ गई तेरे लिए। सारा इंतजाम हो गया? इंतजाम? अरे सब इंतजाम हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बता तो रहा हूँ भाभी जी, मतलब होने वाली भाभी जी, नौकरी की सारी बात हो गई है, घर का भी सारा बात हो गया है, बस तुम दोनों की शादी होना बाकी है, जल्दी कर लो। हाँ तो वो भी करवा लेते ना। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा ता 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 ता। तैयार तो हम भी हैं। तीन तीन दूल्हे, अब शादी छोड़ो, चलो सुहागरात मनाते हैं। हाँ हाँ सब याद है, आ रहे हो ना? अरे हाँ बाबा आ रहा हूँ मैं, हाँ बस निकल ही रहा हूँ। पैसे ले और सामान की लिस्ट, चल मार्केट जाके सामान लेके आ, और हाँ टाइम से आना वापस घर। कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप ना अपने काम से काम रखा करो, समझ में आ गया? इतनी बार मना किया, टोका मत करो पीछे से, लेकिन आदत नहीं जाती है। सर मेरा नाम दीपा कुलकर्णी है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे ये लड़की कल रात को अकेले रोड पर मिली। सर ये बहुत घबराई हुई थी, मदद मांग रही थी, और जब इसने मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि इसे पुलिस स्टेशन ही ले जाना चाहिए, और इसीलिए आज सुबह होते ही मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। अच्छा किया आपने। नाम क्या बेटा तुम्हारा? सब अब हमारा नाम मोहिनी संथाल है। कहाँ की रहने वाली हो? झारखंड तरवा गांव से है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब हमारे माँ बाप नहीं है, चाचा के घर रहते। एक दिन चाचा बोले मंडी जाना है, धोखे से किसी आदमी को बेचती है। ये मैडम जी कौन है? वो तो नहीं मालूम साहब। फिर एक जगह गाड़ी रोके और वो तीनों पेशाब करने के लिए उतर गए, और हमको मालूम नहीं था साहब कहाँ जा रहे हैं, बस भागते रहे और शहर पहुंच गए। पर हमको बहुत डर था कि वो हमें पकड़ ना ले, रोड पे हम रोते रहे। फिर ये दीदी आई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम एकदम सेफ हो। शिरके मोहिनी को एनजीओ भेजने की तैयारी करो। तृप्ति
इसके चाचा के डिटेल्स, गांव के डिटेल्स सब ले लेना। ये दीदी के साथ जाओ। शिरके मुझे लगता है गर्ल ट्रैफिकिंग का मामला है, लेकिन मैडम जी कौन हो सकती? साहब 2 दिन हो गए, हमारी बेटी नमिता की कोई खबर नहीं। कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ पता नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं बताती सर को कि लड़की भाग गई है तुम्हारी? हमारी लड़की उस लफंगे दीपक के साथ भागी है। तुम्हें पूरा यकीन है ये उसी लड़के के साथ भागी? हाँ सर, पूरा यकीन है, उस लड़के के साथ ही भागी है। लड़का 2 दिन से गायब है, अपने घर पे नहीं है, और हमें नहीं पता था सर कि ट्यूशन पढ़ने जा रही है, हमें लगता था, लेकिन उसका तो चक्कर चल रहा था। ये गोल खिला रही है ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर, इसकी पढ़ाई लिखाई बंद, अब ये कॉलेज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ये कॉलेज। कोई भी लड़का ढूंढो इसके लिए और शादी करो, इस घर में ज्यादा नहीं देखनी है मुझे ये लड़की। अरे सुनिए तो सही, 17 साल में शादी, पता है ना गैर कानूनी है? हाँ सर पता है कि गैर कानूनी है, वो गरीब आदमी करे तो करे क्या सर, सब लोग थू थू कर रहे थे, अब इज्जत जाए इससे अच्छा तो आदमी जेल चला जाए। बहुत समझाया पर समझ नहीं रही थी वो, उस लड़के ने हद कर दी सर, एक दिन तो हमारे घर ही आ गया था। क्यों आया था, क्यों आया था? अंकल मैं नमिता से प्यार करता हूँ अंकल, उससे शादी करना चाहता हूँ अंकल। पापा छोड़ दे, पापा तेरी बारात में अच्छी निकालूंगा यहाँ से। पापा अगर उसे कुछ हो गया ना मैं अपनी जान दे दूंगी, आप देख लेना। साहब प्यार से बात करना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इतनी शक्ति दिखाई कि बेटी घर से ही भाग गई। मैं उसे प्यार से समझाऊंगी, बस एक बार ढूंढ दीजिए मेरी बेटी को। देखिए आप घबराइए नहीं, आप दीपक और नमिता की डिटेल्स नोट करवा दीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढेंगे। संजय भाई सर, लड़की की बॉडी है, देखकर लगता है कि 16-17 साल की होगी। माला मटन शॉप गई थी? नहीं सर, हमारे घर नॉनवेज नहीं बनता, वो सब्जी लेने गई थी और शाम तक नहीं लौटी, और ना ही फोन साथ ले गई थी कि फोन लगा करके देखे कि वो कहाँ पे है। फिर अगले दिन जब वो नहीं लौटी तो मैंने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी। आप लोगों को किसी पे शक, किसी से कोई झगड़ा दुश्मनी जो ऐसा कर सकता है? सर हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे किसी से क्या दुश्मनी होगी। ठीक है जाओ। पूरा नाटक है सिर की, हाँ ड्रामेबाज है एकदम। देखो ना किसी ने नहीं पूछा बॉडी कब मिलेगी, कुछ झोल लग रहा है। एक काम करो, माला की डिटेल्स निकालो और एक कोंडे फैमिली की भी डिटेल्स निकालो। फोटो देखी? मैं आज ही आई बाबा को उसकी फोटो भेजता हूँ, देखना शादी के लिए फौरन हाँ कर देंगे। अरे लड़की सिर्फ 17 साल की है, नाबालिग है वो, पहले उसके एज प्रूफ के ना झूठे पेपर्स तैयार करने दे। शांति रख। ठीक है सर। कोंडे फैमिली के पड़ोसियों से बात की है सर, हैरानी की बात यह कि पड़ोसियों तक को नहीं पता था कि माला उस घर में नौकर थी या फिर श्याम की बीवी। सर ये कोंडे फैमिली माला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। फिर अचानक से एक दिन उन्होंने कहा कि श्याम और माला की शादी हो गई, किसी को नहीं पता चला कि उनकी शादी कब हुई। मुझे तो पहले से झोल लग रहा था शिरके। ये कोंडे फैमिली की डिटेल्स निकाले? हाँ सर, ये श्याम को जुए की लत, काम वाम कुछ करता नहीं था, रमाकांत के पास भी कोई काम नहीं है, और ये वैशाली घर चलाने के लिए नर्स और हाउस होल्ड हेल्प का काम करती है, दूसरों के घर में नौकर प्रोवाइड करवाया करती थी। शिरके मुझे वैशाली के काम में भी झोल लग रहा है, पता करो ये नर्स और नौकर प्रोवाइड करने के नाम पे कुछ काले धंधे तो नहीं करती थी। सर हमने पता किया, माला का बर्थ सर्टिफिकेट निकली है। एक काम करो, उड़ई ऑफिस से माला के फिंगरप्रिंट और फोटो के बेसिस पे उसके आधार कार्ड के डिटेल्स निकलवा, हो सकता है असली डिटेल्स मिले। सर नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमिता दीदी कहाँ है? बेटा वो घर पर नहीं है, अपने मामा के घर गई है।
कुछ काम था क्या? हाँ आंटी, मैं क्लास में फर्स्ट रैंक लाई हूँ ना, तो मुझे उनको थैंक यू बोलना था, पर मम्मी वो तो घर पर ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो आंटी को दे दे, आंटी नमिता दीदी को दे देगी। देखिएगा, नमिता बहुत अच्छी टीचर बनेगी, उसकी तो जिंदगी सफल हो गई। चलिए अब हम निकलते हैं। सर ये माला का ओरिजिनल आधार कार्ड, जिसमें माला का नाम माला कोंडे नहीं, माला सुर्वे, और इसमें एड्रेस भंडारी के पास अंबाड़ी गांव का है। एक काम करो तृप्ति, ये माला के गांव जाओ, सुर्वे फैमिली के सारे डिटेल्स निकालो, पता करो ये माला की शादी हुई थी भी या नहीं। सर, सर माला की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 7 सितंबर की शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई, मतलब कुपोषण की वजह से उसकी मौत हुई है। सर साथ ही साथ उसकी बॉडी पर सिगरेट के जलाने के निशान भी हैं, नाखून के खरोच के निशान भी और काटने के निशान भी हैं, और बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेन सैंपल भी मिले। शिरके इंसान ने हैवान इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ जबरदस्ती की, कई सारे लोगों ने सिगरेट के चटके दे, काटा, उसको खरोचा, हो सकता है उसके साथ गैंग भी किया होगा और इसके वजह से उसका खून बहा और मर गई। हो सकता है सर, वैसे ये कोंडे फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे भी झुटलाया नहीं जा सकता सर, क्योंकि थकान, बॉडी को सही न्यूट्रिशन ना मिलना, कुपोषण, ये भी मौत का एक कारण है। चिरिया में इन्फॉर्मेशन नहीं, सबूत चाहिए। हमें पता करना होगा ये शाम की शादी हुई थी भी या नहीं, और ये भी पता कर दे ये कोंडे फैमिली सच बोल रही है झूठ। और एक चीज पता करनी होगी, ये श्याम और रमाकांत का DNA हमें बॉडी पे जो सीमेंस मिले उससे मैच होता ही नहीं। रे देवा, देख बोला था ना मैंने, ये माला ना सिर्फ शक्ल से भोली दिखती है लेकिन है नहीं। सब मुझे पक्का मालूम था, ये माला ना बाहर जाके 10 जगह मुंह मारती है। अरे ये उसका पति है। अरे जब भी छूने जाता ना उसको तो काटने दौड़ती थी वो, बहुत लेता था ना उसकी साइड, बोलती रहेगी मैं तुझे, अरे धोखा दे रही थी वो तुझे। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था, वो जब खो गई थी तब पूरे मार्केट में उसे ढूंढने गया था, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने। तुम्हारी शादी हो गई थी ना, तो रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा, मैरिज सर्टिफिकेट है? साहब शादी 2 महीने पहले हुई थी, अब सर्टिफिकेट ये रजिस्टर करवाते तब तक तो माला ही चली गई। अच्छा शादी की फोटो दिखा दीजिए। हाँ सब, शादी तो इतनी धूमधाम से हुई नहीं थी, बस घर वालों के सामने ही घर में हो गई थी, और उसके बाद फोटो भी खींचा था तो फोन से ही खींचा था, और इसके हाथ से फिर गलती से फोन पानी में गिर गया, चालू नहीं हो रहा था, फिर फोन फेंक दिया। बहुत प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो आपके पास कुछ प्रूफ नहीं था इसलिए तुम लोगों ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनवाया। हालांकि उसके आधार कार्ड के ऊपर उसके घर का एड्रेस भंडारा का था। क्या आधार कार्ड? उसके पास आधार कार्ड भी था, लेकिन हम लोगों को तो खाली बर्थ सर्टिफिकेट मालूम है, और वो तो अनाथ है ये पता था। पर वो अनाथ भी हो गई, कहाँ मिली आपको? वो ऑफिस आई थी मेरे। क्या है? इधर आओ। दीदी मेरा नाम है माला, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई काम मिल जाता तो। पढ़ी लिखी हो? ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। ठीक है, ID में कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ है? फिर मैं देखती हूँ। आधार कार्ड तो नहीं है, पर हाँ जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है मैं देख लेती हूँ, कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। माला की कहानी सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था, दिखने में भी ठीक ठाक थी वो, इसलिए मैंने वैनी से कहा कि आप ही पूछ लीजिए उसे कि अगर वो शादी करना चाहती है मुझसे। साहब उसने भी मना नहीं किया, हाँ बोल दिया, तो मैंने शादी करवा दी। सच बोल रही है? हाँ ये सच बोल रहे हैं? हाँ ऐसे ही हुआ था। शिरके ये शाम की DNA टेस्ट करवा, और रमाकांत का भी। मेरा? मेरा क्यों? मैंने क्या किया? किसी ने कुछ किया? नहीं, मतलब मेरा मतलब है माला तो मेरी बेटी जैसी थी, बहू थी। डर क्यों रहे हो? हाँ चलिए इन दोनों का DNA टेस्ट करवा,
सिर के ये कोंडे फैमिली का झोल है। वो रमाकांत देखा कितना डरा हुआ था। मुझे लगता है माला से जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे। हो सकता है सर, लेकिन अगर 1% भी चांस हुआ कि माला ये काम जानबूझ के करती थी पैसे कमाने के लिए तो सर? नहीं शिरकी, अगर वो जानबूझ के करती थी, इतने पैसे कमाती थी तो पैसों का क्या करती थी? क्योंकि उसके मौत का एक कारण कुपोषण भी है। उसको ठीक तरह से खाना भी नहीं मिलता था। ये वैशाली की एजेंसी का कुछ पता चला है ऐसी एजेंसी? हाँ सर, उसकी एजेंसी लीगल है, रजिस्टर्ड भी है। अपने खबरों को अलर्ट कर दो, ये कोंडे फैमिली के सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब। ठीक है सर। किसी के साथ फिर हमारे बीच जो कुछ भी है ना सब भूल जाना। सुनो, मैं राम बाबू के यहाँ पे आता हूँ, है ठीक है? आप माला सुर्वे के माता पिता सविता सुर्वे और हीरानंद सुर्वे हैं? नहीं, हम लोग राउत हैं। सुर्वे तो वो थे जिनसे 4 महीने पहले हमने घर खरीदा था। तो वो लोग अब कहाँ हैं? पता नहीं मैडम। सुर्वे लोग तो ये गांव छोड़ के कब के चले गए? आपको? मैडम मैं सुशीला, उनकी पड़ोसन। वो लोग बहुत कमीने थे, अपने बेटे मकरंद की शादी में खर्चा करने के लिए बेचारी माला को बेच दिया, और जब बिरादर में थुतू होने लगी तो ये घर बेचा और भाग गए। इसे पहचानती हो? हाँ, यही तो है माला, इसे कैसे नहीं पहचानूंगी, बचपन से देखा है मैंने इसको। तो सुर्वे फैमिली कहाँ पे है, उनके बारे में कुछ जानती हो? माँ बाप का तो पता नहीं, पर सुना है मकरंद विठल नगर में अपने ससुराल में घर जवाई बन के बैठा है। सर, घर बेचकर जाने के बाद माला के माता पिता को किसी ने गांव में नहीं देखा। मकरंद का भी यही कहना है कि वो अपने आखिरी दिनों में हरिद्वार चले। हरिद्वार? पुण्य कमाने ने पाप धोने गए होंगे। सर, मकरंद का कहना है कि उसके शादी के बाद से ही वो चले गए, और उसके बाद उसके साथ भी उसकी कोई बातचीत नहीं। सर, माला की बॉडी पे जो 3 लोगों के सीमेन मिले थे उसकी DNA रिपोर्ट आ गई सर। उनमें से एक का DNA श्याम के DNA से मैच करता है। और दूसरे दो रमाकांत की DNA रिपोर्ट? सर, रमाकांत का DNA सीमेन से मैच नहीं कर रहा। मतलब कोंडे फैमिली माला के बारे में जो बोल रही थी वो सच हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की। सर, दिल्ली से एक लड़की की पूछता जाइए, कुछ दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। वो लड़की नागपुर में दिखाई दी, उसका नाम है नमिता सिंह। ये फोटो और उसकी उम्र 17 साल। शिरके, इसका लुकआउट नोटिस जारी करो, हो सकता है इसके बारे में किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है सर। माला कोंडे उस माला सुर्वे मर्डर केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। पुलिस ने माला का बैकग्राउंड तो चेक किया है, लेकिन कत्ल के मकसद को लेकर पुख्ता तौर पर कोई बयान देने से बच रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सेसिव सेक्स और टॉर्चर की बात कही गई है। रेप नहीं आया तो क्या? रेप इसलिए नहीं आया क्योंकि माला के अंदर रेप से स्ट्रगल करने की न तो ताकत बची थी और न ही जान। क्या वाकई माला देह व्यापार में शामिल थी और यही उसकी मौत की वजह बनी? अगर हाँ तो फिर कातिल कौन है? उसका पति, ससुराल वाले, ये बाहर का कोई शख्स? माला के माँ बाप ने उसे किसके हाथों बेचा था, और क्या माला के कत्ल में उसके माँ बाप का हाथ भी शामिल हो सकता है? तो तू चाकू देख के डर के भागा और टेम्पो से टकरा है ना? हाँ सब। उसका चेहरा देखा, किसके हाथ में चाकू था? तेरे जेब में हमें कार्ड मिला, विजिटिंग कार्ड, वैशाली कोंडे। तू कैसे जानता उसको? सच बोल, तेरी हालत देख। मैडम के पास कमीशन के लिए काम करता था साहब, एजेंट था ना। किस चीज का एजेंट था तू? साहब, वो मेड और नर्स के लिए लड़की ला कर देता था मैडम जी को। सिर के सुना क्या मैडम जी? तो ये वैशाली मैडम जी,
और तू उसको नर्स और मेड के नाम पे जो लड़कियां ला के देता था नाबालिग, हाँ वो दूसरे धंधे के लिए ना? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता साहब। चिरके ये सब निकालो, इसकी पट्टी विट्टी निकालो, दूसरा हाथ तोड़ो और लेके चलो उसको। अरे नहीं, बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। मैं मैडम जी को धंधे के लिए लड़की सप्लाई करता था साहब, पिछले 2 साल से मैं कर रहा है साहब। ये मोहिनी संथाल को भी तू ही लेके जा रहा था ना मैडम जी को बेचने के लिए? सर साहब, लेके जाने वाला था साहब, लेकिन वो नागपुर आने से पहले गाड़ी से उतर के भाग गई। और माला? साहब माला को भी बेचने के लिए लाया था, लेकिन वो मोहिनी से बहुत पहले आई थी साहब, लेकिन शाम का उसके ऊपर दिल आ गया। और तो और वो विकास भी साहब बहुत बार जबरदस्ती किया साहब माला के साथ। ये विकास कौन? मैडम जी का पड़ोसी है, मैडम जी का लफड़ा चालू है साहब उसके साथ। कि शाम को कोई और काम धंधा नहीं है क्या? शाम नहीं है मैडम जी, आज विकास है। विकास उधर आ, क्या कर रहे थे अंदर? क्या कर रहा था मतलब? तुम्हें मालूम नहीं मैं क्या कर रहा था? बोला है ना मैंने कि इससे अच्छी लड़की मैं इंतजाम करूंगी तुम्हारे लिए। मालूम किसने मारा? सब किसी ने मारा, वो तो उम्र में भी कम थी और कमजोर भी थी साहब। माला के बाद नमिता आ गई साहब, उसको उसके बॉयफ्रेंड ने प्यार के झांसे में घर से भगा के लेके आया था साहब बेचने के लिए। यही थी? हाँ सब, वो मैडम जी इसको विकास को खुश करने के लिए रखा था, लेकिन दोबारा अगर तूने उसे हाथ लगाया ना तो लगाऊंगा। क्या करेगा बे तू? ये घर मेरा है और इस घर की हर चीज मेरी है, समझा? जो करना कर। साले तुझे बहुत चर्बी आई है, जान से मार दूंगा। चल विकास, शाम छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो दूसरे को, विकास छोड़ो, शाम विकास बस, विकास छोड़ो, विकास विकास, ए क्या बात है, तो रुक। अरे क्या मुंह देख रहे हो, उसको पकड़ो, मर जाएंगे वरना हम लोग। भैया प्लीज बचा लो भैया। शाली क्या कर रही हो तुम? जान से मार डालोगे क्या इसे? इसे अगर कुछ हो गया तो मैं शादी किससे करूंगा? इससे तू नहीं, मैं शादी करूंगा। बस दामोदर चल निकाल सिक्का, आज ही फैसला करूंगी इसकी शादी का। अगर हेड आया तो श्याम की और अगर टेल आया तो विकास की। ये ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? हां मुंह खोला ना दोबारा तो उठा के सीधा श्याम को दे दूंगी। दामोदर हेड आया तो मैं क्या करूं इसमें, मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे? ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं ना दूसरी कोई लड़की मैं अरेंज कर दूंगा। चुप कर, ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी, इस साले की मैं कभी नहीं होने दूंगा। चल तुम लड़कियों को समझते क्या हो? हां चलिए जल्दी चलो, इससे पहले कि विकास नमिता को नुकसान पहुंचाए हम वहां पहुंचेंगे। सर मैडम जी तेरा खेल खत्म हो गया, समझा? मतलब तुम दोनों के अलावा इस रूम में तीसरी औरत थी, कौन थी? सच्ची कह रही हूँ, मुझे नहीं पता सर। हमने किसी औरत को नहीं देखा सर। शिरके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये नाखून डीएनए एनालिसिस को भेज दो और इसके साथ मैच करवा के दे। इनको जेल में लेके जाओ, ऐसा मारो ना बिना हेड टेल किए, सब सच बोलेंगे। चलो लेके जाओ। मैंने मर्डर नहीं किया, सच कह रही हूँ मैं। लोगों के घर नर्स और मेड भेज भेज कर उतने पैसे नहीं कमाती थी जिससे घर चले, और ऊपर से क्लाइंट और लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन का झंझट अलग, और इसमें लड़कियों को बेचती थी तो लाखों रुपए मिलते थे। सर मेरी मजबूरी थी ये करना, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा पति रमा का एक नंबर का निकम्मा है और घर मुझको ही चलाना।
नौकरी चले जाने के बाद जो बची कुची हिम्मत थी वो भी चली गई। इसलिए घर वालों और सोसाइटी को दिखाने के लिए अपनी उम्र की लड़की से शादी करना मेरी मजबूरी थी, इसलिए वैशाली नमिता को मेरे लिए ढूंढ लाई थी, लेकिन उस साले श्याम ने सब गड़बड़ कर दी। सर, विकास को पता था कि माला मेरी है, फिर वो उसे मजे ले रहा था, मारने मरने पर उतर आया। वो कह रहा था कि वो मेरी होने वाली बीवी है, शादी करूंगा मैं उससे, जैसे कि उसको पता ही नहीं था कि शादी का सिर्फ नाम है। वो चरित बनने की कोशिश करता रहे, हमको सब पता है, उन जानवरों में से तू भी एक था ना? नहीं सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वैशाली तो जिन लड़कियों को लेकर आती थी उन लड़कियों पर मुझे तरस आता था। शुरू शुरू में थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन इतना पैसा कमाने लग गई कि हर लड़की देखकर मुझे वो खरीदने और बेचने का सामान ही नजर आती थी। नमिता को किसने बेचा? उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने? मुझे नहीं मालूम किसने बेचा, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले प्रोस्टिट्यूशन के लिए किया जाता था, लेकिन शर्म की बात यह है कि अब शादी के लिए दुल्हन तक खरीदी जा रही, ये चलन बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने की एक वजह यह भी है कि जनसंख्या में लड़के और लड़की के अनुपात के बीच में फर्क है, ये नतीजा बेटे और बेटियों में फर्क का है। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। हरियाणा से ये चलन शुरू हुआ, लेकिन कई राज्यों में अब ये चलन बढ़ गया है। अगर ये चलन ऐसे ही चलता रहा तो न सिर्फ ये देश के लिए घातक होगा, बल्कि लड़के और लड़कियों के बीच जो फर्क है उसका फासला और भी बढ़ेगा। सर, माला की बॉडी पर बाकी जिन दो आदमियों के सीमेन मिले थे उनका डीएनए विकास और दामोदर से मैच करता है। वो तो होना ही था शेर की, क्योंकि दोनों ने कन्फेस भी कर लिया था ना, माला के साथ उन्होंने रेप किया है। सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, कल रात दामोदर की हॉस्पिटल में मौत हो गई। शेर की, दामोदर का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी के देखो। ठीक है सर। सर एक और बात, नमिता की बॉडी के पास जो नाखून मिला है डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो नाखून किसी औरत का नहीं बल्कि वो आदमी का है। हो सकता है सर, बहुत सारे आदमी लोग अपनी छोटी उंगली का नाखून बढ़ा के रखते हैं, उसमें नेल पेंट वगैरह लगाते हैं। इसका मतलब शिरके उस कमरे में शाम और विकास के अलावा तीसरा आदमी भी था। शिरके एक काम करो, एक कोंडे हाउस के आसपास जितने भी मोबाइल टावर्स है वहां से पता करो कि उस एरिया में उस वक्त कितने मोबाइल एक्टिव थे, और ये दामोदर का जिस बार के बाहर एक्सीडेंट हुआ वहां का भी मोबाइल डाटा रिकवर करवा। सर, हमने कोंडे हाउस दोबारा सर्च किया, जिस कमरे में नमिता की लाश मिली थी उस कमरे के बाहर ये ब्रेसलेट मिला। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेसलेट खो गया था। तू रहता कहाँ है? मैं दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली में रहते हैं, तेरा ब्रेसलेट नागपुर में मिलता है, तो चोर ने यहाँ चोरी किया और नागपुर में फेंक दिया, वो भी उसी जगह जहाँ नमिता का मर्डर हुआ, रूम के बाहर। हाँ, देख तेरा मोबाइल लोकेशन भी ना उसके घर के आसपास का दिखा रहा था उस दिन। सच बोले तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरे। वो मुझे दिल्ली पुलिस से पता चला सर कि नमिता नागपुर में, मैं सीधा नागपुर के लिए निकल गया सर। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसको भी मैंने बोला कि नमिता नागपुर में है, वो चेक करे। अपने 12 तारीख की शाम को तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं छुपते छुपाते जब वहाँ पहुँचा सर, तो मैंने देखा कि नमिता, हे बेटा, नमिता, नमिता, क्या हुआ तुझे? नमिता, किसने किया ये सब? जब मर्डर हुआ वहाँ एक नाखून मिला, तू भाग रहा था ना उसी वक्त तेरा नाखून टूट के वहाँ गिरा था। चिरके, इसको नागपुर ले चलो, मर्डर स्पॉट पे जो नाखून मिला था ना उसे इसका डीएनए मैच करवा, अगर वो मैच हो गया ना बेटा तो तेरी तो विकेट गई। महेंद्र सलाखों के पीछे था, जबकि दीपक को उसी के दोस्तों ने मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, हालांकि पुलिस को अब तक उसकी लाश नहीं मिली थी। इस सब के बीच पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दामोदर और वैशाली के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और देह व्यापार में अलग अलग राज्यों के बीच कौन कौन और कितने लोग इन्वॉल्व थे। तभी एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक नमिता के कमरे में मिला टूटा हुआ नाखून महेंद्र का नहीं था। तो कौन हो सकता था जो उस दिन आउट हाउस में नमिता तक पहुंचा और उसका मर्डर करके फरार हो गया? सर, जिस बार के बाहर दामोदर पर हमला हुआ हमने वहां का डम डाटा चेक किया, तीन नंबर मिले, एक दामोदर का, दूसरा गाड़ी वाले का और तीसरा दिल्ली का है। और यही नंबर मर्डर के वक्त नमिता के घर के पास भी एक्टिव था। किसका नंबर? सर,
चीर के दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो, इसको अरेस्ट करें। नमिता को बेच के तेरा मन नहीं भरा तो उसको मारने पहुंचा और मार भी दिया। नहीं साहब, ये जो नाखून टूटा है ना, ये मर्डर स्पॉट पे मिला है हमको, समझा? सच बोल साहब, नमिता को हम नहीं बेचे साहब, हम तो उसको बहुत प्यार करते थे। जब हम नागपुर पहुंचे और दामोदर को फोन किया तो पहले वो हमारा फोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में वो हमारा फोन उठाया साहब, और हम उसको झांसा दिए कि हमें लड़की चाहिए। वो बोला लड़की है फलाना बार में पहुंच जाओ। हम साहब वहां पहुंच गए, लेकिन वहां देखा तो बहुत सारे लोग थे साहब, लेकिन हमको मुकेश उसका हुलिया बताया था। वो कुछ बिना बोले ही भागने लग गया वहां से और जाके एक गाड़ी से टकरा गया साहब। हम फिर गए उसके पास और चाकू दिखा के फिर नमिता के बारे में पूछे। वो बताया साहब कि नमिता कहाँ है, किस कमरे में, और उस कमरे की चाबी उसके जेब में थी। नमिता, तुम क्या लेने आए हो अब यहाँ? देखने आए हो मैं जिंदा हूँ या मर गई, या फिर तुम्हारे वो तीन दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया? मेरे पापा ठीक कहते थे, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। तुम मुझे क्या, तुम अपनी माँ बहन किसी को भी भेज सकते हो, पता है तुम्हें? अरे नहीं बेचा मैंने तुम्हें यार, नहीं बेचा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों को बेचा होगा। तुम्हें और तुम्हारे उन चार दोस्तों को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें। लेकिन साहब, इन्हीं हाथों से हमने उसको मार डाला साहब, इन्हीं हाथों से मार डाला। चल अब नागपुर जेल में संतरा खिलाता हूँ तेरे को। साहब, सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग चलती आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि बेशक हमने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन औरतों के बारे में हमारी सोच नहीं बदली। औरतों की इस दशा के लिए न सिर्फ उसे खरीदने और बेचने वाले, बल्कि घर वाले, पति, बाप, बेटा, भाई और समाज के ठेकेदार सभी जिम्मेदार हैं। जब तक औरतों को मर्द खरीदते रहेंगे, उसे बेचने वाले पैदा होते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।